तो कई बार क्या होता है मेरिट एक या दो नंबर से भी रह जाती है, और ऐसा मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछली बार जिनका रह गया था उन्होंने मुझे बताया भी है जी यही से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि ये कोई 10 या 15 मार्क्स का नहीं है सब्जेक्ट, 30 मार्क्स आपके काफ़ी मायने रखते हैं, ये आपकी मेरिट को ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर आप, मैं कहूँगी 3 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट को देते हैं तो कम से कम 1 घंटा आप जो है अपने पेडागोजी को जरूर दीजिए। आप वीकली भी एक शेड्यूल बना सकते हैं कि मैंने इतने डेज के लिए जो है अपना मेन सब्जेक्ट देखा, अब ये 2 दिन या 3 दिन जो है मैं एक बार इसके जो पेडागोजी के टॉपिक्स हैं उसको कवर करूं और उसके एमसीक्यूज बहुत प्रैक्टिस करूं। हेलो स्टूडेंट, अगर आप अभी उत्तराखंड में जो आगामी एलटी की भर्ती है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आज का यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि मैडम जो यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो भी एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एलटी में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों 30 मार्क्स की जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी जो पेडागोगी है वो आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो आज मैम आपको इसी बारे में थोड़ा सा जो है गाइड करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा मैम के बारे में बता दूँ, मैम का जो है वो एजुकेशन में आपका नेट निकला हुआ है, और पिछले बार की अगर जो आप हम भर्ती की बात करें तो मैम ने जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका पढ़ाया हुआ था, जिसमें नॉलेज जंक्शन के जो सौरभ उप्रेती सर हैं उनके साथ भी मैम पिछली बार एसोसिएटेड थी, और उस समय जो है आपके 50+ जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो पेडागोगी है वो आपका मैम से ही यहाँ पे पढ़ी थी। तो मैम थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे जो ये पेडागोगी सब्जेक्ट है इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस एलटी एग्जाम में? देखिए इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आपका 100 में से 70 मार्क्स अगर आप सब्जेक्ट कवर करते हैं उसके बाद भी क्या होता है अगर वहाँ आपके 30 मार्क्स में अगर कुछ कमी रह गई, आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है, तो कई बार क्या होता है मेरिट एक या दो नंबर से भी रह जाती है। और ऐसा मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछली बार जिनका रह गया था उन्होंने मुझे बताया भी है, उनके अपने सब्जेक्ट पे बहुत कमांड थी, उसमें अच्छा करके आए, लेकिन क्योंकि पेडागोजी उन्होंने सीरियसली नहीं ली थी, ठीक है, उन्होंने सोचा हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उन्होंने वहाँ पर जो है क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व नहीं किए और उनका मेरिट से रह गया। ओके ठीक है मैम, जैसे अभी मैं आपकी एक क्लास में पहले सुन रहा था, जैसे आप पिछली बार कह रही थी कि पेडागोगी का जो पैटर्न है वो उन्होंने चेंज कर दिया था, शायद प्रैक्टिकल बेस था या फैक्ट बेस आपका आ गया था, तो उस बारे में आप बताना चाहोगे? जी एक्चुअली इसमें पेपर आता था एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, और जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम से ज़्यादातर में एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाता है, लेकिन यहीं पे जो है कहानी गड़बड़ हुई और जो पिछली बार का जो आपका एलटी का एग्जाम था उसमें फैक्चुअल आ गया था बहुत ज़्यादा, और फैक्चुअल जो था वो स्टूडेंट्स ने कवर किया नहीं था, उन्होंने पढ़ा नहीं था, तो इसी वजह से जो है वहाँ पर मार्क्स उनके रह गए थे। तो सही में एक तरह से देखा जाए तो पेडागोजी ने पिछली बार में गेम चेंजर की तरह ही काम किया। चलिए बहुत बढ़िया मैम, अब बात करते हैं मैम इस बार की यानी 2024 की। अब जैसे हमारे पास लगभग यहाँ पे 6 महीने का टाइम है, ठीक है, अगर हम मार्च के हिसाब से भी बात लेके चलें, तो एक जो स्टूडेंट है उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ना ये तो आपका पेडागोगी उनने आपका बीएड में जो है पढ़ाई होगा तो इसको वो ऐसे ही कर लेंगे, और नंबर भी थोड़ा सा उसके 30 मार्क्स हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा आप क्या कहना चाहोगे? जी यही से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि ये कोई 10 या 15 मार्क्स का नहीं है सब्जेक्ट, 30 मार्क्स आपके काफ़ी मायने रखते हैं, ये आपकी मेरिट को ऊपर नीचे कर देते हैं। 6 महीने का जो समय मिला है ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप इसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपनी थ्योरीज वगैरह जो हैं जो फैक्चुअल एक्चुअली जो साइकोलॉजी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जब आपकी थ्योरीज क्लियर होंगी तो एप्लीकेशन पार्ट तो अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पेडागोजी है उसका, क्योंकि देखिए इस बार जो है कैलेंडर पहले से आ गया है तो लोगों को टाइम अच्छा मिल गया है, तो आपको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अब बीएड की भी अगर मैं बात कहूँ तो बीएड हमारा 1 साल का होता है या अब तो 2 साल का होने लगा है, वहाँ पर आपने ये पढ़ा है उस समय आपको अच्छा खासा टाइम मिला था, अब आपको इसे किस में कवर करना है और 6 महीने में कवर करना है, और साथ ही साथ आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ने नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। हम ये सोच लेते हैं कि बीएड में हमने ये सब चीजें पढ़ रखी है तो हमें तो एप्लीकेशन पार्ट आता है हम कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसमें से भी चुन के आपके 2 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी एक आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, अगर आपने इनको अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपकी पेडागोजी पे काफी अच्छी कमांड बन जाएगी। ओके ठीक है मैम, जैसे अभी आपने यहाँ पे बात की कि जो क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है वो हम कैसे पता करें, या उसके लिए कोई बुक आपकी है या किस तरीके का आपका कुछ है वो आप बताना चाहोगे? जी इसके लिए एक तो हमारा खुद का कोर्स भी चल रहा है जो ऑनलाइन मोड में भी चल रहा है और ऑफलाइन मोड में भी चल रहा है। ऑनलाइन मोड में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहते हैं और केवल वीकली आपको 1 लाइव डाउट क्लास मिलेगी तो आप V3 क्लासेस के हमारे इस कोर्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर एलटी पेडागोजी का कोर्स चल रहा है। अगर आप कंप्लीट क्लासेस चाहते हैं जहाँ पे आपको लाइव हमेशा पढ़ाया जाएगा, आपको लाइव ही पढ़ाई जाएंगी क्लासेस,
और साथ में आपकी वही चीजें रहेंगी, मॉक टेस्ट, पीडीएफ वगैरह, तो आप अचीवर्स ऐप का जो एलटी पेडागोजी का कोर्स है उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर ऑफलाइन बैच जो है एलटी पेडागोजी का वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो भी आप आ सकते हैं। बी ट्री अकेडमी हमारा जो ये संस्थान है ये आपका हल्द्वानी में स्थित है, ऊंचा पुल कुसुमखेड़ा लिंक रोड पर। अगर आप चाहें तो हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। तो यहाँ पे आपके नोट्स के बारे में जानने से पहले स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा एक जो है सरप्राइज यहाँ पे दे दूँ। मैम की जो पेडागोगी के ऊपर बुक है या जो टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बुक है वो बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, उसको हम बहुत जल्दी यहाँ पे रिवील करेंगे कि उसमें किस तरीके का कंटेंट आएगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एलटी एग्जाम से पहले पहले आप जरूर उसको अगर पढ़ना चाहें तो आप उसको जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एडवांस में आपको बहुत बहुत बधाई मैडम। अब थोड़ा सा यहाँ पर और आगे चलें, अगर हम नोट्स की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारा जो आप कंटेंट कह रहे हैं उसको बच्चे नोट्स में कैसे हम कन्वर्ट करें? जी, एक तो आपको ना अपना सिलेबस अपने सामने रखना है और प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको अच्छे से एनालाइज करने हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलेबस को देखते हुए आपको उसी टॉपिक के अनुसार अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आप बुक्स की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बुक है आपकी, ठीक है, हिंदी वाले पीडी पाठक ले सकते हैं, इंग्लिश वाले जो हैं वो एस के मंगल को भी देख सकते हैं, और आपकी टेक्नोलॉजी की जो बुक है आर्य शर्मा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। इसके अलावा आपकी जो एक किताब पिछले साल भी चली थी उपकार प्रकाशन की है, ठीक है, ये आपकी एक बुक है, एलटी पर ही बेस्ड है और इसमें जैसा आपका सिलेबस है बिल्कुल वैसे ही टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, पतली सी किताब है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है बीएड क्योंकि उन्होंने किया होता है तो लाइब्रेरी से बुक्स इशू की होती है, बुक्स अभी शायद उनके पास ना हो, तो आप इन केस अगर सीटेट की बुक अगर होगी तो सीटेट से भी आपका काफ़ी कुछ कवर हो सकता है। और अगर आप सिर्फ नोट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को देख सकते हैं, हम बहुत जल्दी वहाँ पर सिर्फ नोट्स का भी एक कोर्स लाने वाले हैं क्योंकि ऐसी क्वेरीज हमारे पास बहुत हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कितना पढ़ना है और क्या नोट्स बनाने हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर अपने सिलेबस को सामने रखकर टॉपिक वाइज उसी में से देखते हुए चलेंगे और बुक से उतने ही नोट्स को कॉपी करके अपने हिसाब से बनाएंगे तो वो भी आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके मैम, यहीं पे एक क्वेश्चन या एक डाउट जो स्टूडेंट का बहुत बार आता है कि जो एलटी एग्ज़ाम है और जो लेक्चरर स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें वहाँ पे आपका आई थिंक 40 मार्क्स की जो है वो आपका ये पूछी जाती है और यहाँ पे जो है वो हर एक सब्जेक्ट में है वो 30 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसमें तैयारी साथ में करें या अलग अलग करें, कैसे हम करें, थोड़ा सा आप जो है हल्के से बता दें इसको। ठीक है, ये देखिए जो आपका जैसा कि आपने बताया लेक्चरर स्क्रीनिंग में आपका 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड है, लेकिन वहाँ पर जो कोर्स है ना वो आपके एलटी पेडागोजी से स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम वहाँ बात करें तो वहाँ आपका जो जनरल नॉलेज टाइप की चीज़ें हैं, जो आपके एजुकेशन रिलेटेड कमीशंस वगैरह हैं, जो आपकी नई स्कीम्स आ रही हैं सर्व शिक्षा अभियान, रूसा, एनसीईआरटी, एनसीटी, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। हमने एक डिटेल वीडियो इसके लिए भी बना रखा है जहाँ हमने एनालिसिस किया है कि क्वेश्चन पेपर में किस यूनिट से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ मैच कितना कर रहा है तो आप कह सकते हैं 30% से 35% मैच करता है, okay. वो है आप मैच करता है तो आप उसको एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक अलग से तो टाइम निकालना ही पड़ेगा अगर लेक्चर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को आप सिर्फ एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी लेक्चर स्क्रीनिंग की तैयारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एडिशनल टॉपिक्स हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको अभी एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जो है इस समय अगर फोकस करें आज के प्रेजेंट सिचुएशन में तो आप एलटी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लेक्चरर में हमने पहले ये देखा था कि इसका पैटर्न भी शायद चेंज हो सकता है, यूकेपीएससी ने अपना एक नोटिफिकेशन इस तरीके का भी निकाला था, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं या बहुत सारे को भी डाउट होगा तो आप जो है अभी एलटी पे जो है वो फोकस करें। अब मैम थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि जैसे एलटी का जो वेटेज है वो 30% वेटेज है, तो उसको अपनी दिनचर्या में या जो अपनी पढ़ाई है वहाँ पे कितना वेटेज हम दें, कितना पढ़ें ताकि हमारा सब्जेक्ट भी ना छूटे और जो हमारा जो गेम चेंजर सब्जेक्ट है ये बिल्कुल हमारा गेम चेंज करके रख दे अगली बार जो पेपर आपका होने वाला है। जी, तो जैसा परसेंटेज इसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगी, देखिए सब्जेक्ट पेडागोजी जो है ना एक तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स या टफ सब्जेक्ट तो है नहीं, आप इसमें अगर अपना थोड़ा भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए ये गेम चेंजर है क्योंकि इतना टफ नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे अगर इसकी वजह से अगर मेरिट में रह जा रहे हैं बहुत ही खराब बात है। तो आपको जो वेटेज देना है आप वीकली अगर अपना शेड्यूल प्लान कर रहे हैं या डेली बेसिस पे भी अपना शेड्यूल प्लान कर रहे हैं, अगर आप मैं कहूँगी 3 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट को देते हैं तो कम से कम 1 घंटा आप जो है अपने पेडागोजी को जरूर दीजिए। आप वीकली भी एक शेड्यूल बना सकते हैं कि मैंने इतने डेज के लिए जो है अपना मेन सब्जेक्ट देखा, अब ये 2 दिन या 3 दिन जो है मैं एक बार
इसके जो पेडागॉजी के टॉपिक्स हैं उसको कवर करूं और उसके एमसीक्यूज बहुत प्रैक्टिस करूं। हाँ, एमसीक्यूज वाली बात मैं एक बार भूल गई, मैं बताना चाहूंगी कि सीटेट या यूटेट में जो आपके एमसीक्यूज आते हैं उनको जरूर कवर कीजिए, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि सीटेट के क्वेश्चन बिल्कुल रखे हुए आ जाते हैं आपके एलटीपीडी पेडागॉजी में, तो आप सीटेट के एमसीक्यूज जरूर लगाएं। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने इतनी अच्छी गाइडेंस यहाँ पे स्टूडेंट को दी है। तो स्टूडेंट, जैसा मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि अगर आपको जो कोर्सेज हैं वो किसी भी मॉडल में चाहिए, यानी अगर आप केवल रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स विद वन डाउट क्लास लेना चाहें तो उसके लिए आपको वेसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। अगर आपको हफ्ते में जो है 5 लाइव क्लासेस आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मैम का जो अचीवर्स ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना होगा। और अगर आप हल्द्वानी में हैं या हल्द्वानी में रह के ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहें तो आप जो हमारी एकेडमी है वेसरी एकेडमी, वहाँ पर आप आ सकते हैं, जो कि आपका कुसुम खेड़ा के पास हनुमान मंदिर है, वहाँ से जो ऊंचा पुल को लिंक रोड है वहाँ पर हमारी एकेडमी है, जहाँ पर हमारे अदर कोर्सेज भी जो है वो आपके चलते रहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज का यह वीडियो जो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, अपने साथियों में जो है जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको आप इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।